हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हमारे मेहमान एक ऐसे सुपरस्टार एंटरटेनर हैं जिनके हम सब डाई हार्ड फैन हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले कॉमिक टाइमिंग और डांस मूव्स के बादशाह द सुप्रीमली वर्सटाइल एंड गिफ्टेड एक्टर मिस्टर गोविंदा। वाओ क्या बात है सर, वी लव यू सर। लव यू टू। मतलब आप जब भी आते हैं स्टार्टिंग ही ऐसी होती है जैसे ग्रैंड फिनाले है और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। सर दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। पहले तो दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और कपिल की तरफ से काफी टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत तारीफ आई पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये तारीफ दिल से निकली है। क्यों? पहली बार क्यों? मतलब यूजुअली मैंने देखा है कि मैं जिस वक्त देख रहा था कि ये गर्ल्स आती हैं जिस वक्त यहाँ पे तो ऐसी दिल से तारीफ निकलती है। सही बोला। हीरो लोग के लिए शायद ही। नहीं नहीं सर, दिल से आप ही के लिए निकली है। उनको मैं थोड़ा दिमाग से सोच के बोलता हूँ कि कौन सी बात से खुश होंगी, पर वैसा चेप देते हम भी। मुझे तो लगता है लड़की आती है इसका दिमाग बंद हो जाता है। होता है पसी वैसे कभी कभी ना। हाँ पर सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हो, फिट लग रहे हो पूरे। लॉकडाउन में जिम भी किया कि जो जो मैडम ने किया बोला वो किया आपने और पतले हो गए? अरे यार फिकर ऐसी लग गई थी कि बहुत सारे लोग जो कभी पतले नहीं हो रहे थे वो भी पतले हो गए। दो तरह के हुए सर, एक तो बिल्कुल पतले हो गए पूरा, उन्होंने फायदा उठाया, बाकी कई फैल भी गए हैं पूरे। हाँ मेरे एक दो दोस्त हैं उनकी नाभी पूरी फ्लोर फेसिंग हो गई। अच्छा ऐसे बढ़ के ना पेट तो वैसे हो गए हैं। ओहो हाँ तो ऐसे भी हैं लोग। कोई खाते पीते परिवार के होंगे। हाँ खाते पीते कह लो या सोते खाते पीते वाले। But Kapil, you know why Govinda is looking even better today? क्यों? Because his outfit has been designed by Tina. इनकी बेटी ने इनकी outfit design किया। जी जी मैं बहुत wow Tina का बहुत बहुत मैं तारीफ किया करता हूँ कि जो personality मेरी लग रही है, जो मैं हूँ, जो तैयार हुआ हूँ इस, क्या है तारीफ की असली वजह कि ऊपर वाले ने ऐसा कर्म किया हुआ है। ये जो गाना चल रहा था जिसपे आप लोग तालियां बजा रहे थे, जिसपे आप तारीफ कर रहे, ये गाना आज से 21 साल पहले किया गया था। वाह। और 21 साल बाद ये गाना वैसे ही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल वही तारीफ हो रही है, हम कर पा रहे हैं। जैसे आपके दोस्त का हाल हुआ था ऐसा हमारा हुआ नहीं। हो सकता था लेकिन हुआ मतलब नहीं। हाँ हो सकता था मतलब लगभग चल हट भाग मतलब निकल चुकी थी मेरी जी। अच्छा हाँ डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिखता था। कृपया गलत ना सोचे पर हाल ऐसा हो गया था। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ऊपर वाले ने ये बरकरार किया हुआ है और काम वही है। और जैसे कि ये कह रहे थे कि तारीफ और ये जो काम और ये जो शोहरत, ये नाम, ये इज्जत, ये है जो जगह है उसका तो सदैव शुक्रिया अदा करते रहे, ऊपर वाले ने दिया हुआ है। परंतु ये जो हम टिके हुए हैं, ये मतलब आदमी वही है जो स्वस्थ है, सुंदर है और टिकाऊ है। बिल्कुल। बिकाऊ कितना है बिकाऊ कि नहीं बिकाऊ है वो बिजनेस का डिस्कस है। हाँ। पर हम लोग हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद है। We love you, sir. और इस तारीफ में बहुत कमाल का मैं कहूंगा कि हिस्सा जो है ये आप लोगों ने जो ये शो किया हुआ है। अच्छा। ये वो है, ये इतना हंसाता है, इतना मस्त लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि गोविंदा जो है ये बरकरार है, ये हम लोग से शुरू हुआ था और कपिल ने इसे बरकरार क्या हुआ है। बहुत वेरी गुड यार, टू गुड। लव यू सर, लव यू सर। आप हंसती हो तो ऐसा लगता है कि दिल खुश हो जाता है, दिल से निकलती है ऐसी। थैंक यू, यही चाहिए। बहुत तारीफ कर दिए तो चेक बढ़ा देना। नहीं पर सच्ची में आपने जैसे कहा अर्चना जी जब हंसती है ना तो इनके 7 करोड़ों लोग हंसते हैं, एक आध हैं जिनको गुस्सा आता है पर चलो चलता है। वो खैर छोड़िए सर, आइए
अच्छा आइए सर। नहीं ना, ये लोग है ना सीधे लोग के साथ ना क्या क्या करते देखिए। बिल्कुल सही। पर सर माहौल बन जाता है आप जब भी आते, प्लीज सर विराजमान हो जाइए। ओह सर, हमने अभी आपका हाल ही में एक नया एड देखा, क्या कमाल का आप डांस कर रहे हैं। पर सर कभी एक पूछना था कि कभी कोई ऐसा एड का ऑफर आया आपको कि जिसके पैसे भी अच्छे मिल रहे हो लेकिन फिर भी आपने मना कर दिया कि नहीं यार मेरे को ये नहीं करना या ये प्रोडक्ट नहीं करना। ऐसे बहुत से काम हैं जो आए और मुझे ऐसा लगा कि ये काम सिर्फ काम नहीं है, इस काम में पता नहीं ये क्या क्या काम कर रहे हैं। हाँ मतलब उस टाइप की ऐड आई गई थी जो अच्छा? लाइफ में ऐड हो जाए हाँ। तो बीबी बाहर निकाल दे हाँ। कि चल बाहर निकल, ये क्या क्या ऐड कर रहा है तू। अच्छा पर ना ये जो ऐड मैंने गोविंदा सर की बात कर रहा हूँ, ये ना एक सीरीज बनाई उन्होंने हाँ। लेकिन उस जो ऐड खत्म होती है उसके बाद अब एक डायलॉग बोलते हैं इसका नंबर निकाल रहे, वो सर आपने इम्प्रोवाइज किया था ना। हाँ वो दिखा क्योंकि हमें पता है गोविंदा सर अपनी फिल्मों में तो अपने डायलॉग्स जो है इम्प्रोवाइज करते ही हैं। सर बहुत सारे आपके साथी कलाकार आते हैं जो ये बताते रहते हैं कि आप उनको भी लाइंस जो है सजेस्ट करते रहते हो, आपको मजा आता है कि आप अलग से चार्ज करते हैं इसका। दुख है कि इसके पैसे नहीं मिलते ना। मेरा ऐसा सोचना है कि काम कैसा मिला ये सब्जेक्ट ज्यादा डिस्कस नहीं करें, जो मिला है वो अच्छा कैसे हो जाए। Absolutely. इस पे पुनः पुनः विचार करें। जैसे कपिल की प्लानिंग नहीं होती है, मैं देखा है इसके वही के वही निकलते हैं तेरे। मतलब हाँ, कुछ प्लानिंग भी होती है। मैंने पहले भी कहा था कि आप मेल नहीं होते तो फीमेल होते। मतलब इतनी फास्ट डिलीवरी उन लोगों की होती है। अच्छा हमने फिल्मों में डबल रोल देखे, ट्रिपल रोल देखे, ट्रिपल भी देखे, पंच पिपल भी देखे, पांच लोगों पांच वाला रोल क्या आप बोलते हैं हाँ। लेकिन हद कर दी आपने, मैं गोविंदा सर ने 6 रोल किए, लेकिन हमने एक और बात सुनी कि उसमें उससे भी ज्यादा थे सर। 14 थे। 14 रोल। हाँ 14 थे। फिर वो करते 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 भैया ये टू मच लग रहा है यार। जितेंद्र जी ने मुझे फोन किया, चीची चीची मैं तुझसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा मैं एक भी ढंग से नहीं करता, तुमने इतने कैसे कर देते हो। काम की बहुत तारीफ हुई जा रही है तो मैंने सोचा जीतू जी जो फिल्म लगे काम की तारीफ होती है तो कहीं ना कहीं से फोन आ ही जाता है, तो पूछा मैंने उनको, तो खैर वो ऐसा जवाब दे रहे थे उस टाइम पे कि अभी फिलहाल इस शो पे डिस्कस नहीं होगा। अच्छा। हाँ बहुत 3-4 के बाद में उन्होंने फोन लगाया। पर ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीनियर आई हैव, मतलब मुझे सीनियर तो सब अच्छे हैं पर उनका प्यार अलग ही है। बिल्कुल वो तो डांटते में तो लगता है प्यार ही कर रहे हैं। एक फिल्म में मैंने देखा किसी को डांट रहे थे हाँ। सुनीता विजय अरे तो मैं तो मैं कह रहा यार डांट रहे। वैसे इसमें से सुनीता तो डांटती ही रहती है। ये प्लान था ना। अरे सर जैसे आपकी कॉमेडी टाइमिंग के हम सब तो फैन हैं, पूरी दुनिया फैन है, ऐसे कौन से पहले एक्टर थे जिनको देख के आप इंस्पायर हुए कि यार इनकी कॉमेडी एक्टिंग जो है टाइमिंग बड़ी कमाल की है। आदरणीय दिलीप साहब। वाह मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, एज अ ट्रेजेडी किंग, एज एन कॉमेडी, इवन मतलब वो डांसर कभी नहीं कहलाए पर जो गीत म्यूजिक डायरेक्टर ने जैसे सोचा है और उस पर म्यूजिक जैसे पिरोया गया है और जैसा वो गाना है वो बिल्कुल उसके मुताबिक उनका डांस होता था। वाह मतलब शायद ही ऐसा आर्टिस्ट अब शायद फिल्म लाइन में, मतलब के मतलब मैं तो वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई डांस में कॉपी करनी है तो वो बाकायदा जो लफ्ज और जो अल्फाज लिखे गए हैं उसके मुताबिक जो गाना चल रहा है वैसे ही डांस हो, तो वो अलग लगता नहीं हो, ऐसा नहीं लगता नहीं फिल्म अलग चल रही है डांस अलग चल रहा है गाना, वो एकदम उनका ऐसा लगता था कि एकदम, और ऐसे गहरे सूफी थे वो, सूफी जो है मैंने हासिल किया वहां से मेरी अपनी औकात में क्योंकि उस हद में हम लोग नहीं पहुंच पाते। इट्स टू गुड। वाह क्या बात। और एंड शमी अंकल हाँ। शमी कपूर जी ने भी वैसे ही डांस किया हाँ। मेरी मम्मी ने कहा मुझसे कि गोविंद डांसर वो बेस्ट होता है जिसे जो जो समा में बंध जाए वो डांसर नहीं है, जो समा बांध दे वो डांसर है। आहा, क्या तो जो समा मिला है जो जैसा गीत है जहाँ
जो गाना चल रहा है, ऐसा लगे कि यार ये तो समा बंद गया है यार, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हिले। कभी कभी किसी को ऐसा लगता था गाना चल रहा है और तब तक उनकी काफी देर तक उनकी सांस ठहरी हुई, अच्छा था ये ऐसा होता तारीफ। तो ये तारीफ जो है ये तब निकलती है दिल से जिस वक्त समा बांध देता। वैसे चीची जब तुम भी ऐसे डांस करते थे पर्दे पर तो हम भी ऐसे सांस रोक कर बैठे देखते थे, इट वॉज समा मानते थे तुम और हम देखते रह जाते। धन्यवाद सर। आपने इतने सारे अपने को स्टार्स के साथ काम किया, एक्टर्स के साथ, आपको पर्सनली किस एक्टर के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है कि जिनको लगता है कि यार हाँ मेरी इनके साथ बड़ी जमती भी है और वो सब होता ना कि यार एक फेवरेट होते हैं। आप मेरी जितनी फिल्में उठा के देख लेंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा इस को स्टार के साथ जैसे कि ऐसे इनके साथ मेरे रिश्ते हों कि हम साथ पैदा हुए हैं, साथ पले हैं, साथ स्कूल कॉलेज गए हुए हैं, पर शायद उससे पहले हम कभी मिले भी नहीं थे और फिल्में होगी उसके बाद भी नहीं मिले पर माहौल मैंने ऐसा क्रिएट कर रखा था उस टाइम पे क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे ये कह दिया था कि चिची देख हम लोग बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं ये काम मिल गया है। मेरी मम्मी ना क्लासिकल आर्टिस्ट थी तो क्लासिकल जिस वक्त गाने चलते थे तो स्टेज पे बहुत बहुत देर तक लोग ना सुर मिलाते रहते थे आपस में, टांग 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 ट्यूनिंग होती रहती है, ये चलता रहता था ना पहले बहुत चलता रहता था। तो हम छोटे थे, हम सोचते कब गाना गाएंगे यार, तो तमीज से रहो, बहुत टॉप के आर्टिस्ट हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम, कब गाएंगे तो ये हाल हुआ करता था। तो फिर मुझे ये पता लगा कि ये जो ये माहौल तैयार किया जाता है इन्हें आप कैसे सजाते हैं और कैसे तैयार करते हैं और फिर उस माहौल में अच्छा काम हो पाता है। तो जो आर्टिस्ट हो, जो चाहे मुझे जो कह दे, एज अ सीनियर डांट लगा देते थे क्योंकि आपको तो पता है मैं बहुत टाइम पे आया करता था, बिल्कुल हाँ मतलब इतना टाइम का पक्का था मैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग जो है बहुत सारा काम वाम करके आ जाते थे। अच्छा। आया हाँ तो, अब पिक्चरें मैंने इतनी कर ली थी पर आप एक एक मतलब एक एक दिन में तीन तीन चार चार पिक्चरें शूट कर रहे हैं, तीन चार से ज्यादा, तो फिर ऑब्वियसली आपका भी कसूर नहीं था। हाँ बेशक मुझे तो दिलीप साहब की वजह से मैं जिंदा रह गया। मतलब किसी दिन मैं हॉस्पिटलाइज हो गया तो मुझे बुलवाया गया शाम में कि भाई तुम हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो तुम तो यंग हो, जवान हो, अभी तो इतनी छोटी सी एज में तुम इतनी टाइम हॉस्पिटलाइज हो जाते हो। तो मैं कहा सर मैं 15 दिन से काम कर रहा था, फिर कहा 16 दिन कर रहा था। तो अच्छा तो फिर तुम तो बर्बाद हो जाओगे इस तरह से काम करोगे तो, हाँ। तो 25 फिल्में छोड़ दो। तो मैं तो कहा सर जो पैसे के लिए थे फिल्म के वो तो मैं खा गया तो तुम्हें किसी से मिलाता हूँ उनके पास से तुम उधार ले लो, हाँ। पर ये फिल्में छोड़ दो। तो 25 फिल्में वो छुड़वा दी। Really? मैं जिंदा रह गया उस वजह से। वाह। अदरवाइज मैं अगर वो मैंने पिक्चरें कर ली होती वो शुरुआत में ग्रैंड फिनाले हो गया होता। अच्छा कई बार ना फैंस जो होते हैं जो डाई हार्ड फैंस हैं, जैसे मैं गोविंदा सर का फैन हूँ और मैंने एक बार कॉलेज से भाग के बैक टू बैक आपकी 2 फिल्में देखी थी। मतलब होता है कि यार मैं हमेशा जब आपको मिलता हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता कि यार मेरे सामने खड़े हो आप। तो ऐसा कभी होता ना कि एयरपोर्ट पे आप कभी चले जाओ तो वॉशरूम आप जा रहे हो तो फैन मिल जाते, तो वो कभी वो इतना नहीं सोच रहे होते कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, वो एकदम से कैमरा निकाल लेते हैं सर एक सेल्फी हो जाए, ये भी नहीं देखते कि सामने वाले का ग्रैंड फिनाले हुआ पूरा कि नहीं अभी, तो बीच में वो हो जाता है। सर आपको कभी कोई ऐसा दीवाना या दीवानी कोई फैन मिला है जिसको देख के आपको लगा हो कि यार ये मेरा फैन ही है कि किसी ने बदला लेने के लिए मेरे पीछे छोड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा प्यार हो तो लोग जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते कि इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकता है आदमी। शुरुआत में ऐसा हुआ था, मम्मी ने कहा कि चीची ये सब काम वाम करते रहते हैं तो साफ सुथरे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं से आ गए हैं, तो जरा क्लीन हो व्यक्ति जो काम कर रहा है यहाँ पे अच्छा लगेगा जी। तो मैं कहा कि अच्छा, तो मैं बाहर निकला तो बाहर मैंने लड़की देखी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने कहा कि आप कर लीजिए काम, मम्मी से पूछ लेना आपके, तो काम पे रखवा लिया उन्हें। तो काम पे रखवा लिया तो काफ़ी टाइम काम करती रही, वो बहुत थकने लग गई, दोपहर में ही वो थकने लग गई, तो मम्मी को ऐसा लगा कि क्या है। फिर उसने सुनीता को किसी दिन देख लिया साथ में, तो फ़ोन लगाया अपने बाप को कि इनकी तो शादी हो चुकी है। काफ़ी घर परिवार से गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके आ गए सब, और पता लगा अच्छे घर परिवार की है, फैन है। अच्छा वैसे ही काम करती रही। हाँ, काम करती रही, कितना टाइम तक काम करती रही, बहुत सुनीता रोका करती थी उसको, ए पाँव नहीं दबा सकती। फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.